अरे गीत दीदी, ये तबीयत वगैरह मुझसे मत पूछा करो, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो मैं ये बोलूंगी कि मैं ठीक हूँ, और अगर आप मम्मी का चेहरा देखोगी ना फिर आपको पता चलेगा कि मैं कितनी भयंकर बीमारी से जूझ रही हूँ। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछती हो आप, कुछ आराम से होता है यहाँ पे? और वो भी नानी, OMG, वो तो मान ही नहीं रही थी, बोल रही थी कि दो दोस्तों ऑलरेडी ले लिए तो फिर ये बूस्टर डोज क्यों लेना। और फिर उनका वो फालतू सा लॉजिक कि कोविड तो चला गया है, ये है वो है, मुझे उनको कितना समझाना पड़ा कि वायरस से प्रॉपर इम्यूनिटी के लिए ना बूस्टर डोज लेना कितना जरूरी है, और वो भी एक टाइम पीरियड पे लेना जरूरी है। और जब वो नहीं मान रही थी ना तो मैंने भी अपना तुरुक्का एक का फेंक दिया। मैंने भी बोल दिया कि अगर आप बूस्टर डोज नहीं लोगे तो मैं अपना फॉलोअप चेकअप नहीं कराऊंगी। अरे जब आप बड़े बड़े लोग इतनी छोटी छोटी बातें नहीं समझोगे तो हम छोटे लोगों को तो नानी बनना पड़ेगा ना। आपको पता है कितना बोझ है हमारे इन मासूम कंधों पर, हम बच्चों को ही तो दुनिया चलानी है।